मर्सिडीज जी वैगन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस गाड़ी को कंप्लीट इसलिए बोला क्योंकि पहले ही मैंने इसको स्केच और बनाया था, शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो आज इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, अब मेरे पास कोई आइडिया चलो रोड पे गाड़ियां देख के गिनते हैं। एक जा रही है रेड कलर की ब्लैक लुक के साथ, दूसरी है प्योर व्हाइट, उसके बाद एक जा रही है ब्लू कलर की, एक जा रही है येलो और ब्लैक कलर की, मस्त लग रही है, रिक्शा है वैसे, येलो की कम कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो मेरी बहुत सारी गाड़ियां जो मैंने बना रखी हैं। तो यहाँ पे ब्लू और कॉपर कलर का है जिसका कलर थोड़ा फेड हो गया है, तो वो कॉम्बिनेशन है। उसके नीचे निशान जीटीआर है जो ब्लू और ब्लैक कलर की है, लैम्बोर्गिनी है ये ग्रे और गोल्डन कलर की, और थोड़े से ब्लू एलिमेंट्स भी है। यहाँ पे एक रेड और गोल्डन है, आयरन मैन थीम पे मैंने इसको बनाया था, और स्पाइडरमैन थीम पे मैंने इसको बनाया था, स्पाइडरमैन जो दूसरी वाली थी आपने देखी होगी, और ये ब्लू और ग्रीन ये है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना रेड कलर, ये रेड कलर और इसमें जो गोल्डन एलिमेंट्स को हटा के मैं इसके कॉपर एलिमेंट्स और कार्बन फिनिश दे दूं, तो थोड़ा अलग लग रहा है, लेट्स ट्राई। सबसे पहले मैं मास्किंग टेप से इसके एजेस को बोर्ड के साथ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि पेपर फिल मिल गई तो फिर मेरा काम कर पाऊंगा। और एक और चीज़, मैंने सिर्फ पेपर के पीछे मैंने दो और यूज्ड पेपर यूज़ किए हैं, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि आप यूज्ड पेपर यूज़ कर लो ताकि ये आपका जो बोर्ड है वो ख़राब ना हो। वैसे मेरा पहले भी हो चुका है, इससे बाद में भी ना गया, बाद में से है तो कम से कम। तो ऐसे आप कर सकते हो, अपने बोर्ड को बचा सकते हो, और इसके नीचे पेपर रखने से फ़ायदा भी होता है कि आप जब पेन चलाओगे ना तो आपके पेन ज़्यादा इधर उधर ना आए, क्योंकि बोर्ड्स के भी कुछ टेक्स्चर होते हैं, उससे थोड़ा बहुत पेन इधर उधर हिल सकता है, लेकिन ऐसे करने से नहीं मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। तो फिर से मैं ये नॉर्मल पेन यूज़ कर रहा हूँ, 10 रुपए की आती है। सो इससे हम डार्क एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले डार्क एरिया में ये ऊपर का मैं कवर करूँगा, ये लाइट्स हैं तो वाइट बस इसको छोड़ के बाकी को ब्लैक कर देंगे। रूफ़ को भी मैं सोच रहा हूँ ब्लैक करूँ या ना करूँ वो बाद में देखेंगे। इसके कवर्स को करेंगे थोड़े से, यहाँ स्कूप है बोनट स्कूप, इसको करेंगे। देखो चाहो तो मैं चाहूँ ना तो एक नॉर्मल जी वैगन ही बना सकता हूँ जो कंपनी से आ सकती है, लेकिन हम बनाएंगे मॉडिफाइड क्योंकि वी आर ए पी आर्ट्स, हम कुछ इनोवेटिव करेंगे ड्राइंग में भी। सो वैसे मॉडिफाइड ही है, अलॉयस चेंज है इसमें, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, साइड ग्रिड चेंज है, बम्पर चेंज है, लाइट्स तो पता नहीं सर, हाँ लाइट्स ऐसी आती है, ग्रिल भी ऐसी आती है, बस ये चीज़ कुछ अलग है, और साइड मिरर का कवर भी है इसमें। सो लेट्स बिगिन बोल के जैसे मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इसकी साइड की क्लैडिंग्स जो है इसको भी कार्बन फिनिश टाइप बना देते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फाइनली अब जाके ये कंप्लीट नहीं है अभी भी, मतलब पेन से जितना काम करना था वो खत्म हो चुका है, लास्ट में थोड़ी बहुत अगर देखेंगे होना हो तो, और पेन से करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा। अब इसके ऊपर करेंगे हम रेड कलर, लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे मैं 77 डार्क ब्लू लाइट का मार्कर और 77 पेल ब्लू इसको यूज़ करके इसकी विंडोज को कलर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो अब इस 36 नंबर मार्कर से मैं कुछ एरियाज पे कवर करता हूँ और देखते हैं कैसा उसका लुक आता है। पेंसिल से कार्बन फिनिश का लुक देते हैं। अब ब्लेंडर की मदद से सबको ब्लेंड कर लेंगे। सो ये रही हमारी जी वैगन, इसे हैंग कर देते हैं। So
कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।